ये है रुद्राक्ष का पेड़ कनखल में, कनखल नहीं पवित्र अपने भारत देश की पवित्र नदी ऐसे पूरे दिवस इसमें कितना हुआ पैसा देखो, ये तैरता हुआ पत्थर, तैरता हुआ पत्थर देखो अंदर, ये गुजराती हम आदमी गुजराती बोलते हिंदी बोलते दोनों चीजें बोलना पड़ता है, दोनों चीज बोलता है। अब ये चाय उबाल रहे हो ना, तुम्हें गुड मॉर्निंग हरिद्वार। सो कैसे हैं आप लोग? बस हम तो बढ़िया है, आप भी बढ़िया ही रहना। अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है हरिद्वार में, तो 27 घंटे का हमारा टोटल सफ़र रहा था, ट्रैवलिंग रहा था। 27 घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए हरिद्वार, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा ठंडी बढ़ती जाएगी। हमको पता था कि ठंडी बहुत होगी, पर वैसे भी इधर ठंडी देखो, अभी मेरे क्या आउटफिट पर लगता होगा कि ठंडी वैसे भी बहुत नहीं है, वरना क्या मैं बहुत एकदम सब कुछ पहन लिया होता। ठंडी वैसे भी नॉर्मल है, ठंडी लग रही है, अभी धूप नहीं आई, धूप आ रही है जा रही है, ऐसा हो रहा है अभी। तो ऐसा अपना रूम है देखो, ये पहले अपना ये मिरर तैयार होने का है सब कुछ, मोबाइल चार्ज हो रहा है अपना, और ये अपना नए मेंबर अपने फर्स्ट टाइम व्लॉग में सीताराम महाराज, सीताराम ये अपना रेगुलर मेरा भाई। और ये इस टाइप का हमारा रूम था देखो, 3 बेड का रूम है हमारा, ये सब सामान हमारा जैसा जैसा पड़ा है। और इधर से बाहर का मौसम है भी देखो कैसा है, धूप आ रही है जा रही है ऐसा हो रहा है। और ये नीचे का माहौल थर्ड फ्लोर पे है, इधर हमारी गाड़ी मिस कर रहे हैं हम लोग, इधर हमारी गाड़ी मिस कर रहे हैं, क्योंकि सभी जगह हम लोग जाते हैं इधर हमारी गाड़ी पड़ी हुई होती है, सभी होटल में मतलब कहीं भी जाते हैं गाड़ी हमारी होती है। इस बार ट्रेन में आया तो क्या थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है, मज़ा आया, ट्रेन में भी अलग ही सफ़र है। ये अपना होटल देखो, होटल मुरली, जो बुक किया था वो नहीं मिला, दूसरा मिल गया, पर क्या हो? अच्छा है, ये भी अच्छा है, उससे अच्छा होटल मिल गया। चलो तो अभी निकलते हैं हम लोग, चाय नाश्ता बाकी हमारा, और अभी बजे है 11:30। चलो महाराज निकलते हैं। अपना ऐसा कुछ होटल है देखो, अभी इधर से हमारा ऊपर रूम जाने का रास्ता है, ये रिसेप्शन एरिया है हमारा होटल का, सॉरी हमारा नहीं होटल का। और ये होटल का बाहर का व्यू, ये रहा होटल मुरली निवास, और टॉप थर्ड फ्लोर पे अपना रूम है ऊपर। ये पूरा एरिया है ना पूरा गुजराती गली के नाम से फेमस है, मतलब इधर सब गुजराती होटल खाना वाना चाय वाय सब कुछ इधर मिल जाता है। ये जो पूरा गली है ना इधर से, ये गुजराती गली, ये पीछे हम लोग जो रुके वो वाला गुजराती गली, सब कुछ इधर मिल जाता है, मतलब गुजराती का खाना वाना सब कुछ मिल जाता है इधर। अगर आप कभी भी इधर आए तो किसी को पूछते हो ना कि गुजराती गली किधर है, तो आपका होटल भी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, चाय मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सब कुछ मतलब अपना कैसा मिल जाएगा, अपना गुजरात जैसा सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जब भी आओ इधर कॉन्टेक्ट कर सकते हो गुजराती गली में, किसी को कॉन्टेक्ट मतलब गुजराती गली में जाना है इतना बोलोगे तो आप सीधा इधर पहुँच जाओगे, इधर सब कुछ आपको अपना घर सही लगेगा। देखो अभी फिलहाल ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने इधर ऑटो कर लिया है, ऑटो में क्या है ये अपना भाई हमको पूरा घुमा देंगे, गौतम भाई। हाँ जी, हाँ जी, ये गौतम भाई हमारे हमको पूरा हरिद्वार घुमाएगा अभी, क्यों हम तो अननोन है इधर, आगे पास पीछे मैं बैठ जाएगा, मैं तो पूरा अननोन था इधर, तो हमने गौतम भाई को ले लिया है, और गौतम भाई हमको पूरा हरिद्वार घुमाएगा अभी, साथ में रहना मजा आएगा घूमने को, पूरा डिटेल्स घुमा देंगे, बारी बारी नहीं सब कुछ पूरा घुमाएगा। पहले हम लोग एनर्जी लगे बबलू टी स्टॉल पे, सुन गए सीताराम चाहते क्यों लगता अभी क्यों लगते चार चार जरूरी थे। हाँ फेस थे जावे ना, हाँ बड़ा नहीं मजा आते, बस ये आई ना अंदर क्या हमारी गाड़ी अभी जो बैठ जाए ना वो अंदर है, हम लोग पहले चाय पी लेंगे बाद में क्या एनर्जी मिल जाएगी तेरी। बराबर उबलना भाई सही है, आपने मेरे दिल की बात छोड़ी, हमको क्या उबली हुई चाय अच्छी लगती है, गुजराती हम आदमी गुजराती बोलते हिंदी बोलते दोनों चीजें बोलना पड़ता है, दोनों चीज बोलता है। आप ये चाय उबाल रहे हो ना, तुम्हें दिल से दिल दो मारू हूँ क्यों महाराज, टाइम क्या उकाड़ी चाय बोगा मैं जो उकाड़ी से चाय उकाड़ी उकाली उबाली हुई चाय गुजराती बोलते उकाड़ी चाय उकाड़ी। हाँ उत्तराखंड में गुजराती बोलते सब सही है, बहुत आता है बहुत माना आता है। हाँ जैसा हमको चाहिए वैसा ही मिल गया महाराज, एक बार टेस्ट करो मस्त से, कौन सा ले जैसा हमको चाहिए, खांड बराबर से जबरदस्त
चीनी खांड बोलते खांड बोलते गुजराती में खांड बोलते हैं चाचा चाचा को भी मालूम है चीनी को खांड बोलते हैं चाचा को गुजराती लोग बहुत मिलते हो गए हमारे यहाँ पे मजा आ गया महाराज जिसकी चाय अच्छी उसका दिन अच्छा बस चाय मिल गई मजा आ गया अभी पूरा दिन एकदम एनर्जेटिक रहेगा हमारे लिए अभी देखो इधर कचौड़ी कैसे मिल रही है कचौड़ी खस्ता कचौड़ी बोलते इधर ये रहा कचौड़ी थोड़ा स्पाइसी रहना थोड़ा स्पाइसी बस 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 कैसे पूरे दिवाली कितना हुआ पैसा देखो ये तैरता हुआ पत्थर है तैरता हुआ पत्थर देखो अंदर ये पत्थर है ये कांच की पेटी में है अंदर ये श्री राम का मंदिर है श्री राम का मंदिर है और इधर क्या है पता है आपको ये पत्थर चढ़ रहा है मतलब श्री राम नाम का पत्थर है देखो ये रहा ये है रुद्राक्ष का पेड़ इस पे तीन मुखी रुद्राक्ष आता है साल में एक बार 12 साल में एक बार एक पेड़ पे एक दाना आता है जो होता है का दर्शन उत्तराखंड सरकार यहाँ पर अभी 9 वर्ष के उपलक्ष्य में फ्री कराती है उसका कोई टिकट पैसा खर्चा नहीं है सामने गवर्नमेंट सेक्टर है उत्तराखंड सरकार का वहाँ पर अंदर में अभी हम लोग आए हैं कनखल में आए हैं दक्ष प्रजापति मंदिर ये वैसे मैं प्रजापति हूँ ये भोलेनाथ की ससुराल है जहाँ माता पिता सती हुई थी उनका जन्म स्थान भोलेनाथ के ससुराल है ससुराल शंकर भगवान के ससुराल है ये इधर वो जान लेके इधर आए थे मतलब शादी करने के लिए प्रजापति शंकर भगवान की इधर उधर आए थे यहाँ पे राजा दक्ष की पुत्री से विवाह कर राजा दक्ष की पुत्री से समझ गया पर माता पार्वती से पार्वती माता से इसलिए राजा दक्ष का महल कहलाया जाता है ठीक है ये दर्शन ओके चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के मंदिर में जहाँ पे शंकर भगवान शादी करने के लिए इधर आए थे पार्वती जी से के साथ और इधर दक्ष प्रजापति का मंदिर बनाया उन लोगों ने ये है दक्ष प्रजापति जी का मंदिर इधर से एंट्री है मंदिर की दक्ष प्रजापति यानी शंकर भगवान के ससुर जी ऐसे इधर वो शादी करने के लिए शंकर भगवान आए थे ऐसा अभी हमने सुना है और ऐसा ही है शायद ये है गंगा जी का घाट गंगा नदी पवित्र हमारी कनखल में कनखल नहीं पवित्र अपना भारत देश में पवित्र नदी गंगा नदी सभी जगह पे निकलती है मतलब सभी जगह पे है दक्ष प्रजापति का मंदिर देखने के बाद उधर के मोबाइल अलाउड था नहीं उधर मोबाइल अलाउड था नहीं तो हम लोगों ने अंदर का शूट तो नहीं कर पाए पर अभी हम लोग आए हैं कनखल में ही हरिहर मंदिर में पारा का शिवलिंग इधर है पारे का शिवलिंग पारा जो अपने पता होगा साइंस में तो पारो पारे का शिवलिंग है और रुद्राक्ष का पेड़ है इधर वो दिखाएंगे आपको हम ये है रुद्राक्ष का पेड़ पे रुद्राक्ष पे वही मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है ये शिवलिंग है पारे का शिवलिंग जो सामने दिखता है ना भाई ओम देव का देव महादेव
अभी हम लोग है चंडी देवी के मंदिर में। ये चंडी देवी में एंट्री है और अभी फिलहाल मैंने मास्क भी पहना है, मास्क कंपलसरी है इधर, कंपलसरी मास्क है इधर अभी, और हैंड सैनिटाइजर करना भी कंपलसरी है इधर।